हमारी आपस में 13 एमसीओ का कुछ कमिटमेंट हुआ था जब सुभाष गुप्ता जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसमें कमिटमेंट के मुताबिक मेरे को इस्तीफा देना था वाइस चेयरमैन से, तो मैं वाइस चेयरमैन से सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरा पार्ट में जो सारे जो सहमति होगी ना सारों की, तो हम उससे बात करेंगे, हम उनके साथ करेंगे। किस प्रकार की सहमति? 13 मतलब प्रधान के लिए है ना, प्रधान बनाने के लिए, तो हम 13 आदमी तो है ही है जी। आपके जो हो गया अपना, तो आगामी प्रधान के लिए किसको चयनित किया गया आपने सहमति से? राणा जी को। इस टाइम हम नौ आए जी, वैसे 13 तो हम 13 लेकर चल रहे जी, लेकिन आज जो बहुजी नफरीत ने जो अपने इस्तीफे की वो घोषणा करी है जी, अब हम जो है नो की मारी मतलब एम की जो नो थोड़ी जो भी है जी, हम नो आदमी करा जाए जी, और सोमवार को बहुजी जो है दो महीने के लिए, फिर उसके बाद अपना शर्मा जी आने जी, उसका शर्मा जी हमारी आपस में चल रही थी। हमने सभी ने गुरुद्वारे में मंदिर में खेड़े पे जाकर नेम किया, और यहाँ तक कि कुछ पार्षदों ने ऐसा भी कहा भाई उसका बेटा गर्क हुआ, उन्होंने कहा उसके बच्चे भी मरा, हालांकि जो अपनी बात से मुकर है, जो अपनी बात से मुकरता है जो कैंपेन नहीं निकलेगा परमात्मा उसको दंड देगा, और उसके बाद उन्होंने कहा भाई ऐसा है आप है ना 16 मार्च को मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप मेरे साथ है ना मेरे को वोट दो। और जब एक मीटिंग में रेस्ट हाउस में एमपी साहब और एमएलए साहब आए थे, और वहाँ पर उनको गिनती दिखानी थी भाई तेरा कितने गिनती है तेरे साथ कितने एमसी है, तो वहाँ पे 8 एमसी हुए थे, 9 एमसी नहीं था। एमपी साहब क्या क्या कहा भाई हमने रिकमेंड करा कि अमरीक सिंह को हमने प्रधान बनाया है, जिसको प्रधान बनाएंगे, और ठोक के हमने कोई दबाव में नहीं कोई प्रेशर में नहीं, जो हमारी कमिटमेंट थी हम उस कमिटमेंट के ऊपर करे उतरे थे। जब 16 तारीख मार्च आया इस्तीफा देने का टाइम 10 का वो मुकर गया, श्रीपाल ने मेरे को बोला था भाई चाचा जी आप है ना इसके जिम्मेवार बन जाओ और मैं इस्तीफा दिलवाऊंगा। मैंने कहा भाई अगर ये कल नहीं देवा क्या मैं अपने बच्चों की नेम खाता हूँ और मैं इस्तीफा मैं दिलवाता हूँ। ये है ना अमरीक सिंह है ना बेईमान है और ये झूठ बोल रहा है, ये अपने कमिटमेंट से भाग रहा है, सच्चे दाम पे सच्चे आदमी का काम है, अगर झूठा आदमी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाए। हमें है ना 9 पार्षद है यहाँ पे जो 9 है बात हुई थी हमारी, और 5 है ना आए नहीं जी।